ओ माय गॉड इसका फील, ओ माय गॉड इसका फील। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त और ऑस्ट्रेलिया। चलिए आज अनबॉक्सिंग करते हैं Xiaomi के पावर बैंक Mi 2 i की। मुझे ये कुछ ही दिन पहले अमेज़न से मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए एक अनबॉक्सिंग किया जाए इस पावर बैंक का, ताकि आप अगर इंटरेस्टेड हो इस पावर बैंक को ख़रीदने में, आपको पता रहे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप पैकेजिंग में देख सकते हैं, ये मेड इन इंडिया है और इसका पावर लिमिट है 10,000 mAh की। पीछे आपको देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और इनबॉक्स यूनिट के बारे में थोड़े और डिटेल्स, प्रोडक्ट मॉडल, मॉडल नंबर और कलर। साइड में आप देखेंगे तो साइड में आपको मिलेगा एक Xiaomi का सिक्योरिटी स्टिकर, जिसको स्क्रैच करेंगे तो आपको मिलेगा एक कोड। ये कोड आप Xiaomi के वेबसाइट में जाके वेरीफाई कर सकते हैं आपका मिला हुआ प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं, ये जानने के लिए। और आपको जो फंक्शनैलिटी मिल जाएगा इस पावर बैंक में वो है 2-way क्विक चार्ज। लिथियम पॉलीमर का आपको मिल जाएगा इसमें बैटरी। याद रखिए लिथियम पॉलीमर लिथियम आयन से थोड़ा एक्सपेंसिव है और इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी भी थोड़ा ज़्यादा है लिथियम आयन से, और लिथियम पॉलीमर ज़्यादा प्रीमियम भी है। लिथियम पॉलीमर बनाने में भी थोड़ा खर्च ज़्यादा होता है लिथियम आयन से, तो Xiaomi ने इसमें लिथियम पॉलीमर यूज़ किया बेसिक लिथियम आयन की जगह, वो भी बहुत अच्छा है। और आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम एलॉय का बॉडी, जो कि बहुत प्रीमियम फील होता है, और इसमें मिल जाएगा आपको शैम्फर्ड एजेस। तो मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी में आपका कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। पैकेज के दूसरे साइड में ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एवरेज चार्जिंग टाइम कुछ प्रोडक्ट्स के, जो Xiaomi ने खुद टेस्ट किया है। तो Redmi Note 5 Xiaomi के हिसाब से इस पावर बैंक से चार्ज होता है 1.5 घंटे में फुल चार्ज। iPhone 7 चार्ज होता है 3.5 घंटे में फुल चार्ज, और iPad mini 4 चार्ज होता है 1.3 आवर में फुल चार्ज। पैकेज के पीछे आप नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा इसका रिटेल प्राइस है 1199 रुपीज़, लेकिन सेल वेल में आपको इसमें कम में मिल जाएगा ये पावर बैंक। तो बिना वक्त ज़ाया किए करते हैं इस बॉक्स को ओपन और खोल देते हैं सील को। आप देखेंगे आपको इस बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और एक बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा और एक बॉक्स नहीं, उसके अंदर हम लोगों को मिलेगा हमारा अपना पावर बैंक जिसके लिए हम लोग सब यहाँ हैं, और आपको और कुछ यूनिट्स मिल जाएंगे इस बॉक्स के अंदर। तो चलिए थोड़ा पावर बैंक को साइड में रख के देखते हैं और क्या मिलता है आपको इस बॉक्स के अंदर। आपको मिलेगा यूज़र मैनुअल, और यूज़र मैनुअल को छोड़ के आपको मिलेगा एक छोटा माइक्रो USB फ्लैट वायर्ड केबल। ये फ्लैट वायर्ड है और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। एनीवे तो केबल को रख देते हैं साइड में और चलिए ओपन करते हैं हमारे पावर बैंक को। तो ये है हमारा पावर बैंक, और मुझे आपसे कहना पड़ेगा ओ माय गॉड इसका फील, ओ माय गॉड इसका फील। इसका फील इतना अच्छा है, ये इतना प्रीमियम फील होता है आपके हाथ में, मैं आपको समझा नहीं सकता। एनीवे तो नज़र डालते हैं इसके आउटपुट्स और इनपुट्स में। तो ये पावर बैंक 5 वोल्ट और 9 वोल्ट में चार्ज होता है, खुद चार्ज होता है 2 एम्पियर पे, और ये खुद आउटपुट देता है मतलब चार्ज करता है बाकी डिवाइसेस को 2.4 एम्पियर पे 5.1 वोल्ट में, और ये खुद रेटेड है 10,000 mAh की बैटरी पे। अरे भाई ये इतना प्रीमियम है मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम आप नोटिस करेंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है ठीक, ये एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, मतलब मेरे हाथ उतने भीगे नहीं है, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत फिंगरप्रिंट अट्रैक्ट कर रहा है। एनीवे तो यही था अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू मी पावर बैंक 2i का। मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों के लिए एक रिव्यू भी लाऊंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं इसी में रिव्यू डाल देता तो, और आप लोग शायद बोर हो जाते हैं मेरा सड़ा हुआ आवाज़ सुनते सुनते। एनीवे अगर आपको इंटरेस्ट है इसके रिव्यू पे, चार्जिंग टाइम पे कितना चार्जिंग टाइम लगता है, तो मैं इसका कंपैरिजन भी करने वाला हूँ लास्ट जनरेशन के Mi 2 पावर बैंक से। तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो भूलिए मत चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप टेक में इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपके लिए कॉन्टेंट्स बनाते रहूँगा। एनीवे तो आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं दूसरे वीडियो में आपसे, तब तक के लिए रॉनी आउट, पीस।